Hi students, how are you? Myself Dr. Om Prakash, your zoology teacher. Recall your memory. In the previous lecture, I have already been discussed about binary fission in paramecium. And today, the topic is conjugation in paramecium. So come on the main topic, conjugation in paramecium. Dear students, the process of conjugation in paramecium was reported by scientist R. L. Kotpal in the year 1982 in Paramecium caudatum. As per your requirements, I will discuss all the things in Hindi and English mixed medium. So let's start. Dear students, conjugation in paramecium की जो process है वो scientist R. L. Kotpal ने year 1982 में paramecium caudatum में report की थी. इस process के बारे में उन्होंने बताया कि इस प्रोसेस में सेम स्पीसीज एंड अपोजिट सेक्स के टू पैरामीशियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब इनके लिए प्री कॉन्जुगेंट्स कहते हैं. और जब ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तब इनके लिए कॉन्जुगेंट्स कहते हैं. अब जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, हम फर्स्ट स्टेप में आते हैं. तो पैरामीशियम काउडेटम में एक बड़ा केंद्रक होता है, एक छोटा केंद्रक होता है. बड़े वाले के लिए माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, जबकि छोटा वाला है इसके लिए माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं. तो फर्स्ट प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसका माइक्रोन्यूक्लियस धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होने लगता है और कुछ टाइम के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाता है. जबकि इसका माइक्रोन्यूक्लियस टू टाइम्स डिवाइड होता है, जिसके द्वारा फोर माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है. टू टाइम्स आप देख रहे हैं, एक से दो बन गए हैं, दो से चार बन गए हैं. माइटोटिक डिवीजन होता है, एक से दो बन जाते हैं, फिर दो का डिवीजन होगा, फिर चार हो जाएंगे. इन इस प्रकार से बने हुए फोर डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई में से थ्री डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. तो आप देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जबकि बचा हुआ न्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है. और इस प्रकार से दो ऐसे न्यूक्लियस बनते हैं जिनमें से एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है. इस प्रकार से बने हुए बड़े माइक्रोन्यूक्लियस के लिए फीमेल स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि अचल होता है, जबकि छोटे वाले के लिए मेल माइग्रेटरी गैमीट न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि चल होता है. अब यहाँ तक की प्रोसेस लगभग 12 टू 40 हावर्स के बाद कंप्लीट हो जाती है. या आप ये कहिए, यहाँ तक की प्रोसेस 12 से 40 घंटों के अंदर कंप्लीट हो जाती है. इसके बाद ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. और एक यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है, यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 5 में जो फीमेल न्यूक्लियस है, बड़ा वाला न्यूक्लियस है, और इधर देखिए ये छोटा वाला न्यूक्लियस है, इसका यानी कि इस वाले जो है कॉन्जुगेंट का मेल न्यूक्लियस इसके फीमेल न्यूक्लियस से, जबकि इसका मेल न्यूक्लियस इसके फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है. और इस प्रकार से जो न्यूक्लियस बनता है उसके लिए जायगोट न्यूक्लियस अथवा सिनकैरियोन कहते हैं. सिनकैरियोन का जब फॉर्मेशन हो जाता है तब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक्स कॉन्जुगेंट्स कहलाते हैं. इस प्रकार से
बने हुए दोनों एक्स कंजुगेट में इसका जायगोट न्यूक्लियस यानी कि इसका सिनकैरियोन 3 times डिवाइड होता है, जिसके द्वारा 8 nuclei का फॉर्मेशन होता है, 8 daughter nuclei, जिनमें से 4 nucleus ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, 4 nuclei ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, जो बड़े होते हैं उनके लिए माइक्रोन्यूक्लियाई कहते हैं, जबकि छोटे होते हैं इनके लिए माइक्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। अब इस प्रकार से बने हुए इन 4 micronuclei में से 3 micronuclei डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं यानी डिसअपीयर हो जाते हैं, जबकि बचा हुआ माइक्रोन्यूक्लियस 2 times डिवाइड होता है यानी कि 2 बार विभाजित होता है, तो 1 से बनेंगे 2, तो आप देख रहे हैं 2, और फिर 2 से ये यहाँ पर 4, यानी कि इसी टाइम पर जिस टाइम पर इसका माइक्रोन्यूक्लियस 2 times डिवाइड होता है उसी टाइम पर इसकी बॉडी भी 2 times डिवाइड होती है, और इस प्रोसेस के लास्ट में 4 daughter paramecia का फॉर्मेशन हो जाता है, जिनमें एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से दूसरा कंजुगेंट है, दूसरा एक्स कंजुगेंट है, तो उसमें भी सेम प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस के लास्ट में 4 daughter paramecia का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन यानी कि कंजुगेशन की प्रोसेस में टोटल 8 paramecia का फॉर्मेशन होता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, पैरामीशियम और पैरामीशिया, डोंट कन्फ्यूज पैरामीशियम एंड पैरामीशिया। पैरामीशियम इज सिंगुलर एंड पैरामीशियम इज सिंगुलर वन एंड पैरामीशिया आर द प्लूरल वन। उसके बाद में सिग्निफिकेंस, साइंटिस्ट RL कोटपाल ने प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन के सिग्निफिकेंस के बारे में भी बताया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नंबर 1, रीजुबिनेशन का मतलब ये है कि जब फेवरेबल कंडीशंस में पैरामीशियम काउडेटम अगेन एंड अगेन बार बार वाइन डिफ्यूजन के द्वारा डिवाइड होता है, तब इसकी जो बॉडी की एनर्जी है या पावर है या इसकी जो शक्ति है वो कम होती चली जाती है, जिसके लिए अगेन प्राप्त करने के लिए, दोबारा प्राप्त करने के लिए पैरामीशियम काउडेटम में कंजुगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसके क्योंकि इसमें न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी बॉडी है उसका जो है उसकी मेंटेनेंस पावर या डिवाइडिंग पावर या एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि पहले ही बताया है कि इसमें आप देख रहे हैं, इस स्टेम में देखिए, इसका मेल इसके फीमेल न्यूक्लियस से, इसका मेल इसके फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज होकर के सिनकैरियोन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इन दोनों में जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है, अर्थात न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जो न्यूक्लियर